राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का राजनीतिक कौशल का सबने लोहा माना है। जिस तरह से कांग्रेस के पास दो सीटें जीतने का बहुमत होने के बावजूद सीएम गहलोत ने विधायकों को होटल में रखा और पार्टी आलाकमान को भी पूरी जानकारी दी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की भूमिका के सभी कायल हो गए। पांडे ने कांग्रेस के नाराज विधायकों को एक मंच पर लाने में पूरी ताकत झोंक दी, जिसमें वे कामयाब भी हुए। इसके लिए पांडे ने सह प्रभारी रहे विवेक बंसल, तरुण कुमार, देवेंद्र यादव और काजी निजामुद्दीन को भी सक्रिय किया। केंद्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुडा, राजीव सातव और टीएस देव के साथ मिलकर पार्टी के नाराज विधायकों को एकजुट किया। सीएम गहलोत इस बात को भलीभांति जानते थे कि यदि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही बढ़ती गई तो बीजेपी यहां भी कर्नाटक, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश और मणिपुर दोहराने में समय नहीं लगाएगी, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए थे कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। इसलिए गहलोत की दूरदर्शिता के चलते ही सबको एकजुट करने में पांडे की भूमिका भी अहम हो गई। सचिन पायलट का पहले दिन से ही पार्टी के विधायक एकजुट हैं के बयान से भी पार्टी के अंदरखाने से नाराज चल रहे विधायकों को पांडे एक मंच पर लेके आए। भले ही वो मंत्री रमेश मीणा हो या फिर भरत सिंह कुंदनपुर, तमाम लोगों को पार्टी की सूझबूझ से एक मंच पर लाया गया। जिन बातों को लेकर नाराजगी थी उसे बातचीत के माध्यम से दूर किया गया। यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का राजनीतिक कौशल वाकई देखने को मिला, जो राज्यसभा चुनाव के नतीजों में साफ तौर पर नजर आया, जब कांग्रेस दोनों सीटों पर उम्मीद से ज्यादा उसे वोट मिलेंगे।